हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एआई पर चर्चा। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एआई की हेल्प से अपना खुद का एक पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट कर सकते हैं और उसको डिफरेंट पॉडकास्ट वेबसाइट जैसे कि कुकू एफएम, साउंड क्लाउड या फिर स्पॉटिफाई पे उसको रजिस्टर करके अपनी सेकेंड इनकम जनरेट कर सकते हैं। और ये सब कुछ करने के लिए आपको किसी भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप दिन के सिर्फ 1 घंटे जो है वो देख करके फ्री में अपने चैनल को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के दौरान मैं आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सो पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट करने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि ज़्यादातर इंडियन जो हैं वो पॉडकास्ट किस नीश में सुनना पसंद करते हैं। तो रिसर्च करने पे ये सामने आया कि ज़्यादातर लोगों को जो पॉडकास्ट है वो मोटिवेशन रिलेटेड ऑडियो बुक्स या फिर लव स्टोरीज या फिर हेल्दी रिलेशनशिप्स की जो रिलेटेड टिप्स होती है उससे रिलेटेड जो पॉडकास्ट होते हैं वो बहुत पसंद आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना पॉडकास्ट चैनल जो है वो ब्रेकअप्स और हेल्दी रिलेशनशिप टिप्स से रिलेटेड बनाऊंगा। तो उसके लिए मैं गया चैट जीपीटी पे और मैंने इसको बताया कि भाई मैं एक अपना पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट करना चाहता हूँ जहाँ पर मैं हेल्दी रिलेशनशिप्स और ब्रेकअप की जो है वो टिप्स दूंगा, तो उसके लिए मुझे कुछ नेम सजेस्ट करो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसने मुझे जो है वो कई सारे नेम्स यहाँ पर सजेस्ट कर दिए और जो उसमें से सबसे बेटर जो मुझे लगा वो ये है ब्रेकअप टू ब्रेक थ्रू, ठीक है ना। तो अब मेरा चैनल का नाम यहाँ से डिसाइड हो गया है, बट अब हमें चाहिए कि स्क्रिप्ट कैसे हम लिखेंगे, ठीक है ना। ये जो हमारी जो ऑडियोज होंगी उसके लिए जो हमें स्क्रिप्ट लिखनी है वो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अब मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ऐसे ही आप भी प्रॉम्प्ट दीजिएगा जैसे मैंने दिया है। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, ये एक टेक्निक है जिससे आप चैट जीपीटी से अच्छे आंसर्स निकलवा सकते हैं। इसको बोलते हैं रोल असाइन करना। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो है वो चैट जीपीटी को तो रोल असाइन कर दिया है कि यू आर स्पेशलिस्ट इन रिलेशनशिप एडवाइस फॉर द यंग कपल्स हु आर गोइंग थ्रू अ टफ ब्रेकअप फेज। मैंने उसको बोला कि भाई तुम एक्सपर्ट हो, तुमको सारा ज्ञान है, ठीक है ना, तुमको सब कुछ पता है कि कैसे हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन किए जाते हैं ये वो। तो चैट जीपीटी को एक तरह से माइंडसेट हो गया, ठीक है ना। तो अब पर्टिकुलरली अगर एल्गोरिथम की बात करूँ तो चैट जीपीटी की एल्गोरिथम में वो ब्लॉक खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा जहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना। तो इससे हमें और अच्छे आंसर्स मिलते हैं, ठीक है। उसने बोला ठीक है, हाँ भाई मैं सच में मुझे सब कुछ पता है ये वो। फिर मैंने जो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट दिया वो मैंने यहाँ पर दिया कि यू आर ऑल्सो एक्सपर्ट इन राइटिंग एन ईजी टू अंडरस्टैंड स्क्रिप्ट। चूँकि मुझे स्क्रिप्ट चाहिए होगी तो मैंने अब उसको एक तरह से स्क्रिप्ट राइटर बना दिया कि भाई तुम जो है तुमसे बेटर स्क्रिप्ट राइटर दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है ना, एज सिंपल एज दैट। तो ये करने के बाद ये भी हो गया, ठीक है ना। फिर मैंने इसको यहाँ पर आप देखिए, मैंने इसको यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम बताई कि राइट ए पॉट वन सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कि राइट ए पॉडकास्ट स्क्रिप्ट इंक्लूडिंग टू पीपल, द होस्ट जिसका नाम रॉबिन होगा एंड एन रिलेशनशिप एक्सपर्ट लेडी नेम रेचल, ठीक है ना। मैंने एक मेल एक फीमेल लिया, उसका नाम बता दिया, इस तरीके से आपको स्क्रिप्ट बनानी है। फिर मैंने यहाँ पर बोला ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल द स्टेजेस थ्रू विच कपल हैज टू गॉन थ्रू आफ्टर मूविंग ऑन इन लाइफ या फिर आफ्टर ब्रेकअप इन लाइफ, ठीक है ना। जब जो लोगों का ब्रेकअप होता है तो उसके बाद जितनी स्टेजेस से उनको गुजरना पड़ता है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करो और उसकी एक स्क्रिप्ट बना करके मुझे दो। तो चलिए देखते हैं कि चैट जीपीटी ने मुझे यहाँ से क्या आंसर्स दिए। तो ये देखिए दोस्तों, रॉबिन जो कि हमारा होस्ट है, सबसे पहले उसने वेलकम किया, वेलकम डियर लिसनर्स टू द अनदर एपिसोड ऑफ हीलिंग हार्ट्स। इसने यहाँ पर हीलिंग हार्ट्स लिया है और आप हीलिंग हार्ट्स लीजिए या जो भी आपको अपने चैनल का नाम लिखना है आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आई एम योर होस्ट रॉबिन, टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट रिलेशनशिप एक्सपर्ट रेचल। तो देखिए प्रॉपर उसने जो एक स्क्रिप्ट बना दी हमारे लिए, ठीक है ना। ये हो गया रॉबिन का इंट्रोडक्शन। उसके बाद यहाँ से आता है रेचल। रेचल बोलती है कि थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी, ये वो, आई एम सो एक्साइटेड, ये वो, ऐसे करके हो जाता है। फिर जो है यहाँ से ये लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, रॉबिन लेट्स स्टार्ट विद द बिगनिंग, ऑफन आफ्टर ब्रेकअप पीपल फाइंड देमसेल्व इन अ व्हर्लविंड ऑफ इमोशंस, ये सब चीज़ें उसने यहाँ पर बात करी, ठीक है ना। फिर आगे इनका कन्वर्सेशन यहाँ से प्रॉपर चलता रहता है और लास्ट में आप देखिए यहाँ पर ही कंक्लूजन देता है जिसमें ये बोलता है थैंक यू रेचल फॉर शेयरिंग योर एक्सपर्टीज एंड इनसाइट्स ऑन दिस चैलेंजिंग टॉपिक, ये सब वो बोलता है। अब हमें क्या करना है, इससे हमें एक ऑडियो फाइल बनानी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा आंसर हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और मैंने क्या करा, मैं गया इसको पूरा का पूरा यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ से आपने इसको पेस्ट कर दिया,
ठीक है, अब इसमें हमें जो है थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी होगी। एडिटिंग एज इन कि आप यहाँ से क्या करिए, देखिए यहाँ पर दो कैरेक्टर है हमारे, एक है रैचल और एक है रॉबिन। तो मैं क्या करूँगा, एक मैंने मेल लिया एक फीमेल लिया, तो इसका मतलब है कि मुझे दो ऑडियो क्लिप चाहिए होगी, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, जितना भी रॉबिन वाला पार्ट है उसको मैंने जो है वो एक जगह यहाँ पर लिख लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, वन सेकेंड, ये देखिए, ये दोस्तों जो है रॉबिन की स्पीच है, आपको मैंने दिखाया था, हेलो डियर लिसनर्स एंड वेलकम टू द हीलिंग आर्ट्स, जो कि मेरे चैनल का नाम है, ये सब चीज़ें करके यहाँ से हमारा, ठीक है ना। ऐसे मैंने पूरी की पूरी जो स्क्रिप्ट थी उसमें से रॉबिन का जो जो पार्ट था मैंने उसको यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है, और इसकी हेल्प से मैं यहाँ पर अभी आगे टेक्स्ट टू स्पीच बनाऊंगा। इसको एक बार आप पढ़ के देख लीजिएगा, और कहीं पर भी एडिशनल कुछ कॉमाज हैस्ट्रिक्स ये सब लगी हुई है तो उसको आप हटा दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे ही मैं क्या करूँगा कि जो भी जो रैचल का पार्ट था उसको मैंने, देखिए यहाँ पर वन सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैंने रैचल का पूरा पार्ट जो है यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करना है, अब हमें करना ये है कि इससे हमें टेक्स्ट टू ऑडियो जनरेट करनी है, और वो भी दोस्तों कंप्लीटली फ्री, कहीं आपका एक पैसा नहीं खर्च होने वाला है। अगर आप AI पर चर्चा चैनल पर आए हैं तो आपका सारा काम जो है मैं वो फ्री में करने की कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि यहाँ पर आप जब अपने विंडोज़ में जाएंगे, कोई आपको एडिशनल टूल नहीं लेना है टेक्स्ट टू स्पीच वगैरह का, यहाँ पर सिंपली जाइए, सबके लैपटॉप में ऑलरेडी अवेलेबल है क्लिपचैम्प, आप सर्च करेंगे तो आपको जो है वो इस पेज पे ले आएगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर आप जब आ जाएंगे तो जो पहली लिंक मिल रही है इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये पहुँचा देगा। वन सेकेंड, मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर आपको पहुँचाएगा। इस पे आपको बेसिक अपना जीमेल आईडी वगैरह से साइन इन करना होगा, जैसे ही आप साइन इन कर लेंगे तो आप आ जाएंगे इस तरह के पेज पे। यहाँ पर आप देखेंगे जो पहला वाला ऑप्शन मिल रहा है आपको इस पर क्लिक करना है, क्रिएट ए न्यू वीडियो वाले पे। वन सेकेंड, देखिए यहाँ पर जैसे आपने क्लिक किया अब ये आपके सामने इसका वीडियो एडिटर खुल के आ गया है, ठीक है ना। अब इस पर आपको पहले वाले ऑप्शन पर जाना है, और जैसे आप इस पर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा टेक्स्ट टू स्पीच जो है वो बैठा हुआ है छुप करके, और ये कम्प्लीटली फ्री है दोस्तों, और इसमें कोई लिमिट नहीं है, आराम से आप 5-10 मिनट की वीडियो ऑडियो जनरेट कर सकते हैं इससे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम जाएंगे इसके अंदर, और यहाँ से आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने चूंकि इंग्लिश में ये स्क्रिप्ट लिखा है, आप हिंदी में बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें देखिए सब कुछ जो है वो अवेलेबल है, और सब कुछ बिल्कुल फ्री है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये लिया, और वॉइस मैंने यहाँ से जो है वो मैंने जो सिलेक्ट ली है, जो पर्सनली यूज़ करी है, वो क्रिस्टोफर की मैंने मेल की वॉइस ली है, ठीक है ना, मैंने क्रिस्टोफर मेल का लिया। यहाँ पर वॉइस स्टाइल इतना ही रखिए, स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, ठीक है ना। आप इसको प्रीव्यू कर भी देख लीजिएगा, जो आपको पसंद आता है, जैसी स्पीड थी आपको समझ में आती है वो आप कर लीजिएगा। यहाँ पर फिर मैं गया, देखिए अभी मैंने यहाँ पर क्रिस्टोफर लिया जो कि मेल है, तो मैं यहाँ से जाऊँगा रॉबिन की स्पीच है, मैंने यहाँ से जो है वो सब कुछ कॉपी करना है, ठीक है ना, ये देखिए, और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब मैं आपको इसका प्रीव्यू सुनाता हूँ। हेलो डियर लिसनर्स एंड वेलकम बैक टू हीलिंग हार्ट्स, आई एम योर होस्ट रॉबिन एंड टुडे आई एम ऑनर्ड टू बी जॉइन। तो देखा दोस्तों आपने, वॉइस अच्छी है, सब कुछ सही है। यहाँ से अब मुझे क्या करना होगा, सेव टू मीडिया। तो देखिए दोस्तों जैसे ही हमने सेव टू मीडिया पे क्लिक किया तो हमारी यहाँ पर एक फाइल जो है वो आ गई है। हेलो डियर लिसनर्स एंड वेलकम बैक टू हीलिंग हार्ट्स, जो है जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपकी टाइमलाइन पे आ जाएगी। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना होगा, ऐसे ही, ठीक है ना, ऐसे ही आप जो दूसरी वाली है रैचल की, ठीक है ना, उसको भी आप ऐसे ही जब वापस से जाकर के एक फाइल बना लीजिएगा उसको, ठीक है ना। ये देखिए तो यहाँ पर जो है वो आपकी दो फाइल बन गई है, एक ये तो रॉबिन वाली है, थैंक यू रॉबिन ने बनाई, और ऐसे ही आप एक रैचल वाली बना लीजिए, और ये दोनों फाइल यहाँ पर आपको सिंपली एक बार अपनी स्क्रिप्ट रेडी रखनी है, ठीक है ना, जो स्क्रिप्ट हमने बनाई थी फर्स्ट वाली, ये तो आपको यहाँ से सिर्फ देखना है कि भाई जो पहला पोर्शन है वो हमारा रॉबिन का है। तो आप जाएंगे वन सेकेंड यहाँ पर, और रॉबिन वाली जो स्पीच थी वहां उसका इतना पोर्शन लगाएंगे। देखिए मैं आपको सुना के दिखाता हूँ। हेलो डियर लिसनर्स एंड वेलकम बैक टू हीलिंग हार्ट्स, आई एम योर होस्ट रॉबिन एंड टुडे आई एम ऑनर्ड टू बी जॉइन्ड बाय द वंडरफुल रिलेशनशिप एक्सपर्ट Rachel, in today's episode, we delve deep into the intricate process of healing after a breakup. Together, we will explore the stages that individuals go through, the emotional turmoil they experience, and most importantly, how to find the strength and motivation to move forward. Welcome, Rachel, it's great. तो यहाँ तक ही जो है वो रॉबिन का पोर्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए वापस आप स्क्रिप्ट पे गए, ये देखा आपने रैचल का पार्ट है यहाँ पर, ठीक है ना, कि यहाँ इसने रॉबिन ने जो है वेलकम कर दिया और सब कुछ इंट्रोडक्शन स्पीच दे दी। अब रैचल का पार्ट आता है कि थैंक यू रॉबिन, ठीक है ना। तो अब हम क्या करना है, जो हमने यहाँ से फाइल बनाई थी उसका फर्स्ट पार्ट, बेसिक इसमें एडिटिंग है बेसिकली, जैसे आप एडिटिंग करते हैं, तो अभी आप सुनिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने जो वाली फाइल है वो मैंने रैचल वाली लगाई है, आप इसको सुनिएगा। हैव यू हियर, थैंक यू रॉबिन, आई एम डिलाइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन।
Breakups can indeed be challenging, and understanding the stages of healing can make a significant difference in how one navigates through. देखिए यहाँ पर भी रेचल का पार्ट खत्म हो गया, फिर से हम वापस जाएंगे और मैंने देखा कि अब फिर से रॉबिन का पार्ट आया था कि लेट्स स्टार्ट एट द बिगनिंग करके, तो मैंने फिर से यहाँ पर जो है वो जो रॉबिन वाला पार्ट था उसका जो कटिंग पार्ट है वो मैंने यहाँ पर इस डिफिकल्ट टाइम लेट्स स्टार्ट एट द बिगनिंग. आफ्टर अ ब्रेकअप पीपल ऑफन फाइंड देमसेल्व्स ऑन एन इमोशनल रोलर कोस्टर. रेचल, कुड यू शेड सम लाइट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ दीस इमोशंस एंड व्हाई इट्स एसेंशियल टू एक्नॉलेज. अगेन फिर से यहां पर रेचल का. एब्सोल्युटली रॉबिन. The period immediately after a breakup is rife with. तो इस तरीके से दोस्तों जो है आपको इसकी प्रॉपर एडिटिंग कर लेनी है, और एडिटिंग करने के बाद में ठीक है ना, इस पे देखिए यहाँ पर आपको जो है वो जब सारा आप सेट कर लीजिए पूरी अपनी एक आपकी जो बन जाए ठीक है ना ऑडियो फाइल, आप सिंपली यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करिए और देखिए 720p तक की जो आप वीडियो है यहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं. अब आप सोच रहे होंगे बात तो पॉडकास्ट की हो रही थी, ऑडियो फाइल की हो रही थी, तो वीडियो कहाँ से आ गई? बट दोस्तों अभी दो मिनट दीजिए मुझे, ठीक है ना. यहाँ से आप इसको वीडियो फॉर्म में ही एक्सपोर्ट कर लीजिए. यहाँ से जैसे आप एक्सपोर्ट करेंगे तो देखिए ये देखिए यहाँ पर एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया है और ये डाउनलोड होकर के अभी आपके डाउनलोड्स में आ जाएगा. तो एक बार जब ये आपके डाउनलोड्स में आ जाए तो सिंपली आपको कोई भी ऑनलाइन जो टूल्स होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वन सेकेंड, ये रहा ठीक है ना. तो देखिए सिंपली आपको जो है वो वीडियो टू ऑडियो फाइल कन्वर्टर एक ऑनलाइन ऐप ओपन कर लेना है. यहाँ पर आपको अपनी देखिए जैसे इस पर आपने क्लिक करा, अपनी फाइल जो अभी आपने डाउनलोड करी है वीडियो की उसको यहाँ पर आपको जो है इसमें अपलोड करना होगा और आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए MP3 फॉर्म में. तो इस तरीके से आपकी एक ऑडियो कंप्लीट जो है वो जनरेट हो गई है जो कि आपका पॉडकास्ट का काम करेगी, ठीक है ना. अब दूसरा काम हमारे पास जो आता है वो ये कि हमें जो है इसको Kuku FM पे या फिर Spotify पे या फिर SoundCloud पे कहीं पर भी इसको आपको रजिस्टर करना है, अपना शो पूरा बनाना है. तो वो आप कैसे करेंगे उसके लिए देखिए आपने यहाँ जाना है, ठीक है ना. Kuku FM पे ही लेट्स से मैं करता हूँ, ठीक है ना. आप यहाँ पर आए, चलिए मैं इससे पहले आपको दिखाता हूँ कि इसमें लोग कितने अच्छे अच्छे जो है वो पॉडकास्ट बना रहे हैं. और कुछ नहीं दोस्तों, वैसे ही AI की हेल्प से कहीं पर वॉइसेस, ये आप देखिए मिनी हैबिट्स वाला जो है इसको एक बार आप सुनिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ. तो ये देखिए दोस्तों अभी तक देखिए 3 lakhs लिसनर, 3 lakh लोगों ने इसको सुना हुआ है. और ये देखिए कोई इंडियन ही है, पूर्वम जोशी, जिसने जो है वो इसको यहाँ पर ऑडियो फाइल बना करके अपलोड कर दी है. और देखिए 9 episodes हैं सिर्फ 9 episodes दोस्तों. और देखिए 2-2 minute के episodes इसने बना करके, यानी 18 minute के episodes बना करके ये भाई ने यहाँ पर जो है अपना पूरा एक चैनल बना रखा है और जिसपे 3 lakh लोगों ने जो है इसको सुना हुआ है और 4.6-star रेटिंग भी दी हुई है दोस्तों. तो आप देख सकते हैं कि कितना अमेजिंग ये हो सकता है आपके लिए यहाँ से, ठीक है ना. तो चलिए मैं इधर आपको प्ले करके भी दिखाता हूँ कि कितना सिंपल. बड़ी से बड़ी सफलता को बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं, जैसा कि हमारा ये Kuku FM मंत्रा कहता है, हमारी आदतें ही हमारे सक्सेस का इंजन है. हमारी छोटी से छोटी तो देखिए दोस्तों एकदम वैसे ही जैसे हम बनाने वाले हैं वैसे ही यहाँ पर जो है ऑडियो फाइल बनी हुई है. तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपना खुद का जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं शो. तो इसके लिए आपको देखिए यहाँ पर दोस्तों जो 3 bar आपको मिल रहा है ऊपर, यहाँ पर क्लिक करना होगा. फिर यहाँ पर आप देखिए स्टार्ट योर ओन शो तक क्या आ रहा है. इससे पहले आपको जो है वो लॉग इन करना होगा और जैसे आप अपनी gmail ID वगैरह से लॉग इन कर लेंगे तो देखिए ये आपको इस पेज पर ले आएगा. यहाँ पर देखिए आपको क्लिक हेयर टू क्रिएट योर शो पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर फिर आपको अपनी सारी डिटेल्स वगैरह भर करके, देखिए दोस्तों यहाँ पर नॉर्मल सी चीज़ें पूछता है, ठीक है ना. तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी और उसके बाद आप यहाँ से सबमिट कर देंगे है. और इसके लिए आपको जो है अपना थंबनेल भी बनाना होगा चैनल का, जिसको आप मैं बताता हूँ आपको आप बना सकते हैं कैनवा की हेल्प से. देखिए मैंने ये भी बनाया था वन सेकेंड. तो सबसे पहले आप कैनवा पर जाइए, नॉर्मल यहाँ पर आपने सर्च करना है पॉडकास्ट थंबनेल्स, ठीक है ना. पॉडकास्ट थंबनेल आपने यहाँ पर डाला और सर्च कर दिया. फिर आपको यहाँ से जो भी पसंद है, जैसे मैं ये वाला बना रहा था, आपने इसको क्लिक करा, ठीक है ना. फिर ये आपको ले आएगा, देखिए यहाँ से कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे आप आ जाएंगे. फिर यहाँ से वन सेकेंड ये ओपन हो रहा है अभी, ठीक है ना. तो आप इसको यहाँ से अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं, जैसे आपके चैनल का नाम लेट्स से हीलिंग हार्ट था या फिर ब्रेकअप टू ब्रेक थ्रू जो भी है, हीलिंग हार्ट, ठीक है ना. हीलिंग हार्ट लिख लिया, यहाँ पर अपना नाम आप लिख सकते हैं, मे बी AI पर चर्चा, मतलब ये तो सब तो आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं. देखिए मैं आपको ये हो गया, ठीक है ना, AI पर चर्चा हो गया, यहाँ पर एवरी संडे हो गया, हीलिंग हार्ट, ये सब इसको आपको और अच्छा थोड़ा सा बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली. आप देखिए यहाँ पर जब देखेंगे
तरह के, ये देखिए कितने अच्छे अच्छे लोगों ने जो है यहाँ पर थंबनेल्स बनाए हुए हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में बना रहे हैं, क्या चीज़ें हैं उसको आपको यहाँ पर शोकेस करना होता है थंबनेल में, जैसे आप यूट्यूब पर बनाते हैं, राइट। तो उस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको जो है ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।